गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में आपके स्टैटिस्टिक्स के कुछ प्रश्न कराए थे, आज उसी वीडियो आगे बढ़ाते हुए उससे आगे का प्रश्न कराते हैं। प्रश्न देखिए आपका कुछ इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पर प्रश्न नजर आएगा। निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्य 50 है, तो माध्य कितना दिया है? 50 दिया है, परंतु 20 से 40 तथा 60 से 80 वर्ग अंतराल की बारंबारता F1 और F2 है, अज्ञात है। इन अज्ञात बारंबारता को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सवाल आपका ये है, और इसका जो दिया है बारंबारता का योग सिग्मा F या N, वो आपका 120 दिया हुआ है प्रश्न में, और जो समांतर माध्य है वो X बार, वो आपका दिया है 50। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम जीरो, ये होती है आपकी वर्ग अंतराल यानी के CI क्लास इंटरवल, ये बारंबारता आपकी होती है फ्रीक्वेंसी यानी के F से, ठीक है। तो आप देखिए ये होती है 0 से 20 यानी के ये होती है निम्न सीमा यानी के लोअर लिमिट, और ये होती है आपकी उच्च सीमा यानी के अपर लिमिट। तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़िए, 0 और 20 को जोड़िए, ये आपका आंसर आता है 20, और 20 को आप 2 से भाग कीजिए तो आपका आएगा 10। इस तरह से आप 20 और 40 को जोड़िए, 60 आता है, 60 का आधा होगा 30। इस तरह से आप जोड़ते चले जाइए और आधा करते चले जाइए। ये देखना है इसमें आपका 20 40 40 से 60 60 से 80 इसमें 20 20 का डिफरेंस है, तो आपका यहां भी 20 20 का डिफरेंस होना चाहिए। अब आप 17 की और 10 की गुणा कीजिए, यह आपका 170, इसकी गुणा कीजिए आएगा आपका 30 F1। 32 की और 50 की गुणा कीजिए, 0 5 10, ये भी 0, हासिल को 1 3 5 15 116, यह आएगा आपका 70 F2। 19 की और इसकी गुणा कीजिए, 0 9 81, हासिल को 8 9 9 और 8 17। अब आप इसको जोड़िए सिग्मा F या N लिख लीजिए, देखिए 7 और 2 9 और 9 18, हासिल को 1 1 2 और 1 3, हासिल को 2 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। दोबारा जोड़ दीजिए, 9 2 18 18 का 8 लगा, 1 2 3 4 5 6, तो आपका होगा 2 3 4 5 6 68 प्लस F1 प्लस F2। अब देखिए बुक में दिया है सिग्मा F आपका 120, हमने जोड़ा है कितना, 68 प्लस F1 प्लस F2 120, हमने इतना जोड़ा है, बुक में इतना दिया है, दोनों सही है, तो इसे आप दोनों को बराबर रख दीजिए। यहां से पास F1 प्लस F2 आएगा 120 माइनस 68। अब आप घटाइए, 10 ले लीजिए, 10 10 में 60 घटाएंगे 2, और यहां 11 11 में 6 घटाएंगे आप 5, तो यानी कि F1 प्लस F2 आपकी 52 है, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी का जोड़ 52 है, ये आपका समीकरण फर्स्ट होगी। अब फिर देखिए आपके पास सूत्र है X बार बराबर सिग्मा FX बटे सिग्मा F, या इसको आप N भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास सिग्मा बार दिया है 50, तो आप यहां 50 लिखें बराबर, यह आपका हुआ कितना, 1710 1710, ठीक है। अब आप इसको जोड़िए 0 0 0 7 प्लस 0 प्लस 1 8, देखिए हमने जोड़ दिया, यह आपका 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक है। तो हमारे पास है आप 3480 प्लस 30 F1
प्लस 70 एफ टू और डिवाइड में आप क्या रखेंगे, आपकी मर्जी है, चाहे आप ये पोर्शन रख दीजिए या आप 120 रख दीजिए। तो हमने लिखा 120। अब आप इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 50 की यहां होगी, यह आएगा पावर 50 गुना 12 34 80 प्लस 30 एफ वन 70 एफ टू, ये हो गया आपका 00 12 पंजे 60 6000। अब आप इसको इधर लाइए, ये आगे आपके पास माइनस में हो जाएगा 30 एफ वन 70 एफ टू। अब आप घटाइए जीरो में से जीरो, यहां पे आप दही यहां से यहां लीजिए, फिर यहां से यहां ले 10, 10 में से 8 गए 2, फिर यहां आपके पास 9 बचे, 9 में से 4 घट जाएंगे आपके 5, और यहां में बचे आपका 5, 5 में से आप 3 घटाइए 2, 2520। इधर आप इसमें से 10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन लेते ही आपके पास 3 एफ प्लस 7 एफ टू, तो यहां से 3 एफ वन प्लस 7 एफ टू क्या होगा आपका 2520 बटे 10, 10 से काट दीजिए, यह आपके पास है आप 3 एफ वन 7 एफ टू 252 इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन फर्स्ट इसके नीचे रखिए। अब देखिए इसमें इसे नीचे रखने से पहले क्या करेंगे, 3 एफ वन है 7 एफ टू है, यहाँ पे एफ वन एफ टू है, तो इसमें से या तो आप एफ वन इक्वल कर लीजिए या एफ टू कर लीजिए। अगर एफ वन इक्वल करते हैं तो हम इसे समीकरण नंबर फर्स्ट को 3 से गुणा करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर, अब देखिए इसको 3 से गुणा कीजिए, यहां आपका 3F1 3F2 और 52 गुना 3, तो 3F1 प्लस 3F2 6 5 15 युवा। अब इसके नीचे रखिए आप समीकरण सेकंड, 3F1 7F2 252। अब आप इसको घटा दीजिए, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो इससे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों 3F1 प्लस के 3F1 माइनस के कट। अब देखिए प्लस के 3 और माइनस के 4, तो माइनस के प्लस के 3 और माइनस के 7, तो आपका आंसर क्या होगा माइनस के 4F2। अब आप देखिए माइनस के 252 है प्लस 156 है, तो आप 252 में से 156 घटाइए 6, देखिए 252 156 एक दा यहां से यहां लीजिए 6 12 12 में से घटाएंगे 6, फिर यहां आपके 4 हुए थे एक दा यहां लीजिए 14 14 में से आप 5 घटाएंगे 9, तो आएगा 96 माइनस, ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल, था आपका 4F2 इक्वल 96, तो 4F2 इक्वल होगा 96/4, 4 से काटिए 4 2 8 4 6 16, यानी कि F2 आया आपका 24, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है F1, अब देखिए समीकरण नंबर थी हमारी फर्स्ट F1 प्लस F2 52, अब देखिए F1 जो तो रख दिए, F2 की वैल्यू आई 24, इसको 24 यहां रखिए 52, F1 इक्वल हुआ आपका 52 माइनस 24, अब 52 में से आप 24 घटाइए एक दा यहां से लीजिए 12 12 में से 4 घटाइए आप 8, फिर यहां आप हुए आपके 4 4 में से 2 घटाइए 2, तो आपका हुआ F1 28 है और F2 24 है, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो इसका आंसर 52 आएगा, आपका आंसर ठीक है बस।